हमारे शरीर में दो तरह के जॉइंट होते हैं, इनमूवेबल जॉइंट जो कि हमारे स्कल में होता है, और मूवेबल जॉइंट जैसे कि कंधे का जॉइंट, एल्बो का जॉइंट और गर्दन का जॉइंट। आज हम मूवेबल जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। शोल्डर के जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हर डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट करने देता है, ऊपर, नीचे, आगे और पीछे, और रोटेशन भी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमारे कंधे में एक सॉकेट होता है, सॉकेट के अंदर एक बॉल फंसती है और बॉल हमारे अपर आर्म से कनेक्टेड रहती है। इसको और समझने के लिए मैंने एक मॉडल बनाया है। ये जो ब्राउन कलर का पार्ट है यह हमारा सॉकेट है, और इसके अंदर जो वाइट कलर की बॉल है यह हमारी बॉल है जो कि हमारे अपर आर्म से कनेक्टेड है। ये अप डाउन मोशन, फ्रंट बैक मोशन और रोटेशनल मोशन कर सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंधे के अलावा हिप में भी रहता है। अब हम एल्बो के जॉइंट के बारे में जानते हैं। एल्बो के जॉइंट को हिंज जॉइंट भी कहते हैं। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन अलाउ करता है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे आपके दरवाजे और खिड़कियों में हिंज लगा होता है। मैंने इसको और समझने के लिए एक मॉडल बनाया है। मैंने एक पाइप को काट के दूसरे पाइप को इसके अंदर डाल दिया है, और दूसरे पाइप में एक पेन फिक्स कर दिया जो कि हमारा लोअर आर्म होगा। ये लोअर आर्म सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, इसका मतलब ये वाला जॉइंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। हिंज जॉइंट एल्बो के अलावा घुटनों में भी होता है। गर्दन के इस जॉइंट को पीवट जॉइंट कहते हैं। पीवट जॉइंट रोटेशन को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। पीवट जॉइंट गर्दन के अलावा यहाँ पर भी होता है जो कि फोरआर्म को ये मूवमेंट देता है। ओके, बाय बाय, टाटा, टिंग, सब्सक्राइब।